नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के हम इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना समय लगाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है कि इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है अतीत का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है शासन का और ऑप्शन डी है पर्यावरण का। तो इसका जो सही आंसर है वह है अतीत का, यानी इतिहास के तहत हम जो अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, जैसे कि हम इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ठीक है, तो पहला यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है थियुसिडाइसिस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मानेथो और ऑप्शन डी है होमर। तो इसका जो सही आंसर है वह है हेरोडोटस, यानी प्रथम यूनानी इतिहासकार था वह था हेरोडोटस। अब इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है, यानी कि जो इतिहास है वह अपने आप को दोहराता है यह किसने कहा? तो यह कहा कॉल मार्क्स ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगर इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो कॉल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। मार्क्सवाद का शिल्पकार कॉल मार्क्स को माना जाता है। कॉल मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कॉल मार्क्स के संपूर्ण चित्रण का मूल आधार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता? तो ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है कॉल मार्क्स, ऑप्शन सी है जेबी ब्यूरी और ऑप्शन डी है ई एस कार। तो इसका जो सही आंसर है वह है हीगेल, यानी हीगेल ने कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। इसके विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हीगल का है। हीगल एक जर्मनी का दार्शनिक था जिसका जन्म 1770 में हुआ था। हीगल ने दर्शन और राजनीति में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि जो इतिहास है विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है स्टब्स, ऑप्शन बी है कॉल मार्क्स, ऑप्शन सी है सीले और ऑप्शन डी है ट्रिबेलियन। तो इसका जो सही आंसर है वह है सीले, यानी सीले ने कहा था कि जो इतिहास है वह विगत की राजनीति है। कुछ अतिरिक्त जानकारी इसके बारे में है कि इतिहास और राजनीति के बीच में संबंध जॉन सीले द्वारा कहा गया था कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, यानी राजनीति और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास नहीं होगा तो उसका राजनीति का कोई मूल नहीं होगा, और अगर राजनीति नहीं होगी तो इतिहास का कोई फल नहीं होगा। जो जॉन सीले थे वह एक निबंधकार और इतिहासकार थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो शक संवत होता है इसकी शुरुआत हुई थी कनिष्क के शासन काल में, और कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि 78 ईस्वी में शुरू हुई थी
और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो शक संवत है वह भारत का राष्ट्रीय संवत है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत पर आधारित होता है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है। तो जो गुप्त संवत है 319 या 320 में शुरू हुआ था, इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2023 में शक संवत का वर्ष होगा। तो दिसंबर 2023 में हमें बताना है कि इसमें शक संवत कौन सा होगा। तो इसमें शक संवत जो होगा वह होगा 1945। अब इसको कैसे निकालते हैं कि शक संवत जो है उसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क प्रथम ने 78 ईस्वी में शुरू किया था, और 2023 में अगर हम निकालने की बात करें तो इसमें से हम 78 माइनस करेंगे, यानी 78 माइनस कर देंगे सन में से, तो हमारा शक संवत निकल आएगा। आगे बात करें कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, ठीक है। तो विक्रम और शक संवत के बीच में अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर है 135 वर्षों का, ठीक है। विक्रम संवत और शक संवत दोनों में जो अंतर है वह है 135 वर्षों का। अगली बात करें कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया, ठीक है। तो जो C14 या कार्बन 14 है इसकी तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है यह हमें बताना है। ऑप्शन है हेरोडोटस ने, हीगेल ने, वी ए स्मिथ ने या बिलर्ड लिबी ने। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बिलर्ड लिबी ने। बिलर्ड लिबी ने कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया था। इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी है कि सन 1949 में रसायन शास्त्री बिलर्ड लिबी के द्वारा रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया गया, जो पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग होता है, यानी पुरातत्व में सबसे अधिक कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन 12 जो कि सामान्य कार्बन है तथा कार्बन 14 जो कि कार्बन का एक रेडियो धर्मी समस्थानक के बीच का अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन 14 का निर्माण होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।